नमस्ते प्यारे दोस्तों, टुडे वी विल एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने एक न्यू एम्प्लॉइज को, आपका जो ये ऑफिस है उसमें आपने, मान लो कि ये ऑफिस में आपने कंप्यूटर रखे हुए हैं या कुछ भी रखा हुआ आपने, ठीक है, तो यहाँ इस एम्प्लॉइज को इसके बीच में आपने लेके आना है। कौन सा एम्प्लॉइज आपने रखना है? देखो, एक एम्प्लॉइज है आलसी है, एक एम्प्लॉइज है लालची है, एक एम्प्लॉइज है उसे सीखने से कोई संबंध नहीं। अगर ऐसे एम्प्लॉइज आपके आएंगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है चौपट हो जाए। आपकी खून पसीने की कमाई है, उसको अगर आपने बचाना है तो अच्छे एम्प्लॉइज को आपने अपने ऑफिस में रखना है। तो अच्छे एम्प्लॉइज के लिए चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप्स है बायोडाटा। डाटा, अभी कुछ दिन पहले मैंने बायोडाटा मंगवाया, तो बायोडाटा पढ़ते ही मुझे पता लग जाता है कि ये एम्प्लॉइज काम के नहीं है, क्योंकि उनका बायोडाटा बताता है। अगर आपके बायोडाटे को आपने किसी से कॉपी करके बनाया है, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका गलत जाएगा। मिस्टेक स्पेलिंग की नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की नहीं होनी चाहिए, और उसमें वन बाय वन आपका ट्रुथ जो है, जो आपने इंटरव्यू में बताना है, वो उसमें छपा होना चाहिए, तो वेरिफिकेशन आपकी सच्चाई होती जाएगी। नंबर दो पे टेस्ट। देखो, जब आप एग्जाम देते हो तब भी टेस्ट होता है, एजुकेशनल प्रोफेशनल। उसके बाद जब आप जॉब ढूंढने जाते हो तब भी टेस्ट होता है। अगर एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय से लगाना है तो उसका टेस्ट, जो टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी सामान लेते हो, अगर वो खराब है तो वो नुकसान होगा। ऐसे एम्प्लॉय से वो अच्छा या अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट में कौन सी चीजें हो सकती हैं? फिजिकल टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट। नंबर दो पे फिजिकल में या उसकी फिटनेस देख सकते हैं, फिटनेस हेल्थ देखी जा सकती है। उसके बाद आईक्यू का टेस्ट हो सकता है, बहुत सिंपल सा है, दिमाग तेज है कि नहीं तेज है। सिर्फ उसको कहो कि जिनसे आप प्रेम करते हो उनके मोबाइल नंबर याद हैं, लिख के बताओ। ऐसे ही आईक्यू का आगे मेमोरी भी कह सकते हैं, मेमोरी टेस्ट है, ठीक। उसका जीके का आज क्या चल रहा है, जीके का टेस्ट हो सकता है। नंबर तीन पे इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये देखना पड़ता है कि क्या वो आपके साथ, जो आपकी टीम है, लॉन्ग पीरियड टाइम बिताएगा। ये तो नहीं है कि एक महीने के बाद तनख्वाह कुछ बढ़ेगी और वो भाग जाएगा, तो आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये देखना इंटरव्यू में आप पूछ सकते हो। फोर्थ, वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपका काम फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है, पैसे का लेन देन है, कैशियर की जॉब है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस, उसका रेजिडेंशियल प्रूफ होना, उसको वेरीफाई करना कि वो व्यक्ति वहीं रहता है, आवश्यक है। पांचवा है फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल होनी चाहिए कि जो इम्प्लॉइज हैं वो उसका जो है लास्ट, ये जो नियम थे, ये जो कानून थे, दीज आर द फोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इफ एन एम्प्लॉय विल कवर ऑल दिस, ही हैज द राइट टू ज्वाइन द कंपनी। इफ द
companies, if the new candidate's biodata is not good, is if the test he does not qualify the test, he does not qualify the interview, he does not qualify the verification, he has not any right to join the company. So ये बहुत आवश्यक है कि final approval है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक ये process नहीं चलता और end में ही हमने बहुत सारे employees में से कोई एक employee से निकालना है. Okay, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. Okay, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.